एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक शेरगढ़ में स्थित वसुधरन जागीर गांव पहुंचा। लगभग 4672 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर व ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान मुन्ना लाल के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 811 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 33 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 65 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट व सोलर लाइट भी लगवाए गए हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास, 10 लोहिया आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, बारात घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, इंटर कॉलेज, शमशान घाट की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान मुन्ना लाल, बस्तरन जागीर, जिला बरेली, तहसील बहेड़ी, थाना द्वेरणिया से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ जो जो काम हुए हैं मैं उनका विवरण कर रहा हूँ। लगभग 1000 मीटर लगभग सीसी कराए हैं मैंने, 400 मीटर लगभग खरंजे और हेडपम्प रिबोर कराए हैं, और स्टील लाइट है, सौर ऊर्जा वगैरह लगवाई हैं मैंने, और जो भी पैसा आ रहा है मैं अपने गांव के लिए खर्च कर रहा हूँ उसको, और जो आएगा वो उसको भी ढंग से लगाऊंगा मैं। और मेरी जो भी डिमांड है, मेरे यहाँ शमशान भूमि सारा बेकार पड़ा है, बिल्कुल कोई भी वहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। पैसा आए उसके लिए मैं काम कराऊँ उसमें। दो शमशान भूमि है मेरे यहाँ, और बरायत घर, पंचायत घर भी नहीं है मेरे यहाँ, ना बरायत घर है, पूरी व्यवस्था भंग है गाँव की मेरी। और आंगनबाड़ी केंद्र भी कम से कम 2 और आना चाहिए मेरे गांव के लिए। और मेरी जो भी डिमांड है, बिजली भी बाहर बिल्कुल काम ढंग से नहीं कर रहा है, बिल्कुल मेरे गांव की लाइट व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। आए दिन तार गिरते रहते हैं गांव में, बच्चों की चिपकने की उसमें मतलब आशंका बनी रहती है। मेरे यहाँ की लाइट जल्द से जल्द सही हो, और कम से कम 4 से 5 ट्रांसफार्मर रखे जाएं जो कि गांव की व्यवस्था अच्छी हो। 50 पोल भी होना चाहिए जो कि मतलब जगह जगह लाइट नहीं पहुंची गांव में। और इंटर कॉलेज मेरे यहां नहीं है, वो भी होना चाहिए, क्योंकि यहां की व्यवस्था सब भंग है। बरेली जाते हैं यहां के लोग, जो भी सही है अपने घर से वो तो बरेली पढ़ा लेते हैं, और जो सही नहीं है बेचारे घर पर ही बच्चों को रख लेते हैं, बेचारे क्या करें। वो आवास जो भी जियो के टैगिंग वगैरह करी है वो आवास भी आना चाहिए मेरे यहाँ। ग्राम बस्तर जागीजा से दोस्तों की बोल रहा हूँ। हमारे प्रधान जी ने काम करवाए, बहुत ही अच्छे काम करवाए, सीसी रोड डलवाए और खरंजे का कार्य करवाया, बिजली का भी काम करवाया, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई, और जो हमारे गांव की व्यवस्था है वो बहुत विकास भवन की तरफ से कोई काम हो नहीं पाया है, जिससे कि हमारे जो शमशान भूमि का कार्य है वो नहीं हो पाया, और आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी बनने चाहिए वो भी नहीं हो पाए, और गांव की व्यवस्था शौचालय है, आवास है, इस तरह की कार्य हो। प्रधान जी तो ये चाहते हैं मतलब हमारे यहाँ जो भी काम हो बढ़िया हो, और गांव की जनता उन्हें चाहने लगे।